इसमें किसकी, डायनेमिक सिमिलरिटी की। डायनेमिक सिमिलरिटी में अपन देखें जो फोर्स काम कर रहा है मॉडल वन पे और वही फोर्स काम कर रहे प्रोटोटाइप पे नंबर वन पे, उनका रेशियो हर एक पॉइंट पे, जैसे पॉइंट नंबर टू पे भी, पॉइंट नंबर थ्री पे भी मॉडल और प्रोटोटाइप का रेशियो रहेगा सेम। ये होती है जियोमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी और डायनेमिक सिमिलरिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट मॉडल जरूरी नहीं है हमेशा प्रोटोटाइप से स्मॉलर हो साइज में, ये मॉडल जो है वो प्रोटोटाइप से साइज में बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जियोमेट्रिक सिमिलरिटी के लिए काइनेमेटिक सिमिलरिटी एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जियोमेट्रिक सिमिलरिटी जो है उसके लिए, जियोमेट्रिक सिमिलरिटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, काइनेमेटिक सिमिलरिटी के लिए। लेकिन एंड ये सफिशिएंट नहीं है कि केवल अगर जियोमेट्रिक सिमिलरिटी है तो वो काइनेमेटिक होगी ही होगी, लेकिन काइनेमेटिक सिमिलरिटी के लिए जियोमेट्रिक सिमिलरिटी एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, डायनेमिक सिमिलरिटी की, तो डायनेमिक सिमिलरिटी के लिए भी जियोमेट्रिक सिमिलरिटी एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट। डायनेमेटिक सिमिलरिटी के लिए काइनेमेटिक सिमिलरिटी भी एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट, पर वो सफिशिएंट नहीं है। अगर हम बात करें अगर कहीं काइनेमेटिक सिमिलरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली वहां पर कौन सी सिमिलरिटी भी होगी, जियोमेट्रिक सिमिलरिटी भी होगी। अगर कहीं पर डायनेमिक सिमिलरिटी है तो डेफिनेटली वहां पर काइनेमेटिक भी होगी और जीएस भी होगी, क्योंकि डायनेमिक के लिए ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है, सफिशियंट नहीं है पर नेसेसरी कंडीशन है। तो ये यहां से ध्यान रखना है थोड़ा सा। हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे, हमने पढ़ा सबसे पहले थ्री टाइप ऑफ सिमिलरिटी, फिर उन थ्री टाइप ऑफ सिमिलरिटी की कंडीशंस को पढ़ा। अगर काइनेमेटिक सिमिलरिटी है तो उसके लिए जियोमेट्रिक सिमिलरिटी एक नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशियंट नहीं है वो कंडीशन, लेकिन नेसेसरी है। डायनेमिक सिमिलरिटी की बात करें तो डायनेमिक के लिए काइनेमेटिक भी नेसेसरी है और जियोमेट्रिक भी नेसेसरी है। अगर कहीं पर काइनेमेटिक सिमिलरिटी एग्जिस्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली वहां जियोमेट्रिक सिमिलरिटी भी होगी। अगर कहीं पर डायनेमिक सिमिलरिटी है तो वहां पर काइनेमेटिक भी होगी और जियोमेट्रिक सिमिलरिटी भी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपन मॉडल एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे मॉडल एनालिसिस अलग अलग नंबर के लिए। मॉडल एनालिसिस की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रिनोल्ड मॉडल लॉ। जिसमें हम क्या लिखेंगे, जो रिनोल्ड्स नंबर की वैल्यू है वो, अगर हम पाइप फ्लो की बात करते हैं, बाउंड्री लेयर फ्लो की बात करेंगे, जो हम पहले पढ़ के आए हैं रिनोल्ड नंबर जहां अप्लाई होगा उन सब के लिए रिनोल्ड मॉडल लॉ अप्लाई भी होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो रिनोल्ड नंबर की जो वैल्यू होगी मॉडल के लिए वही वैल्यू रिनोल्ड नंबर की किसके लिए होगी, प्रोटोटाइप के लिए। ये इक्वेशन कहां लगानी है, जब बात हो कहां पर पाइप फ्लो की और बाउंड्री लेयर फ्लो की, ये नाम आते ही हमें वहां पर क्या अप्लाई करना है, रिनोल्ड्स नंबर अप्लाई करना है। कहां पर, पाइप फ्लो की बात आए या फिर एरोप्लेन की बात आए, सबमरीन की बात आए, पैसेंजर कार की बात आए, फ्लो अराउंड कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी की जहां पर भी बात होगी, ठीक है, तो हमें काम में लेना है रिनोल्ड मॉडल लॉ। कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी की कहीं पर भी बात होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ वैल्यूज गिवन होगी और उन वैल्यूज से आपको सोचना है कि कौन सा मॉडल अपन को अप्लाई करना है। तो जहां पर बात हो पाइप फ्लो की, बाउंड्री लेयर फ्लो की, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी की, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है एयर में, पैसेंजर कार है वो भी सबमर्ज्ड है, सबमरीन है वो वॉटर में सबमर्ज्ड है, तो इस तरीके के लिए अपन अप्लाई करेंगे रिनोल्ड्स मॉडल लॉ, जिसमें हम मॉडल के रिनोल्ड नंबर को इक्वेट करेंगे प्रोटोटाइप के मॉडल के। तो यहां से क्या आएगा, रो एम वी एम एल एम
म्यू एम इक्वल्स टू मै रो पी वी पी एल पी अपॉन म्यू पी. अपन को सारी वैल्यूज वहां गिवन होगी कि मॉडल के लिए इतनी वैल्यू ये है, प्रोटोटाइप के लिए वैल्यू ये है, सारी वैल्यूज वहां गिवन होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहां पर बात करें कि मान लो कि मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों के लिए लिक्विड सेम है, मतलब रो एम इक्वल्स टू क्या आएगा, रो पी. मॉडल और प्रोटोटाइप में जो फ्लूड यूज हो रहा है वो दोनों के लिए सेम है, तो रो एम इक्वल्स टू रो पी और म्यू एम इक्वल्स टू म्यू पी. तो यहां से क्या आएगा, वी एम एल एम वी पी एल पी. तो यहां से क्या आएगा, वी एम अपॉन वी पी क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल्स टू में वन अपॉन में एल आर. वेलोसिटी स्केल रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, लेंथ स्केल रेशियो के. नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड मॉडल, फ्राउडे मॉडल. इसके अनुसार भी अपन सेम करेंगे कि फ्राउडे नंबर फॉर मॉडल के लिए इक्वल्स टू होगा फ्राउडे नंबर किसके लिए, प्रोटोटाइप के लिए. ये अप्लाई किसके लिए होगा, ये अप्लाई होगा किसके लिए, फ्लो इन रिवर, स्पिलवे, वेयर, नोचेस और पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए. अगर फुली सबमर्ज है तो रेनॉल्ड नंबर और पार्शियल सबमर्ज है तो काम में लेंगे अपन कौन सा नंबर, फ्राउडे नंबर. फ्राउडे नंबर की वैल्यू यहां रखते हैं तो यहां से क्या आएगा, वी आर अपॉन में रूट एल आर इक्वल्स टू में वन. तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू में होगा अंडर रूट ऑफ स्केल रेशियो के, वी आर इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ एल आर. तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं फ्राउडे मॉडल के बाद नेक्स्ट अपन यहां से निकालेंगे क्या, यूलर्स मॉडल. तो कुछ नहीं करना, सेम यूलर्स मॉडल में भी क्या चीज अप्लाई होगी, यूलर नंबर फॉर मॉडल इक्वल्स टू करना होगा हमें यूलर्स नंबर फॉर प्रोटोटाइप. सेम वेबर नंबर का जो मॉडल होगा उसमें भी हम क्या करेंगे, वेबर नंबर फॉर मॉडल अप्लाई करेंगे वेबर नंबर फॉर प्रोटोटाइप. मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं रेनॉल्ड नंबर और फ्राउडे मॉडल से, रेनॉल्ड मॉडल और फ्राउडे मॉडल इन दोनों से सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं मैक मॉडल. मैक मॉडल में भी हम साफ यही करेंगे, मॉडल के लिए इक्वल्स टू कर देंगे मैक नंबर बराबर किसके लिए, प्रोटो टाइप के लिए. ठीक है, यहां से इसको इक्वेट करेंगे और यहां से कैलकुलेट कर लेंगे. ये हमने बताई कुछ मॉडल्स की बात की अपन ने यहां पर, जिसमें अपन ने यहां पे डिस्कस किया उन मॉडल्स के बारे में. अब रेनॉल्ड और फ्राउडे मॉडल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से कुछ पॉइंट देख लेते हैं. एक मैक नंबर की वैल्यू और बता देती हूं, अगर मैक नंबर की वैल्यू लेस देन है 0.8 तो वो फ्लो है सबसोनिक. तो वो फ्लो कौन सा है, सबसोनिक. और मैक नंबर की वैल्यू है 0.8 to 1.2 तो फ्लो है ट्रांसोनिक. अगर है 0.8 से कम तो है सबसोनिक, 0.8 to 1.2 तो ट्रांसोनिक, 1.2 से ज्यादा है, अगर 1.2 से ज्यादा है तो वो है सुपरसोनिक, और अगर 5 से ज्यादा है तो वो है हाइपरसोनिक. क्या बताया, अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.8 से कम है तो जो फ्लो है वो है सबसोनिक फ्लो, अगर 0.8 टू 1.2 के बीच में है तो वो है ट्रांसोनिक फ्लो, और 1.2 से ज्यादा है तो वो है सुपरसोनिक फ्लो, और 5 से अगर किसी की वैल्यू ज्यादा है मैक नंबर की तो वो फ्लो कैसा है, हाइपरसोनिक फ्लो. अब अपन रेनॉल्ड नंबर और फ्राउडे नंबर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट दो चार फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं, बाकी टॉपिक यहां फिनिश हो गया है. हम बात करते हैं रेनॉल्ड मॉडल की, यहां पर बात करते हैं रेनॉल्ड मॉडल की. ये यहां से अपने कैलकुलेट कर लिया वी आर इक्वल टू वन अपॉन एल आर. तो वेलोसिटी स्केल रेशियो जो है, नेक्स्ट अपन देखें यहां पर, ठीक है. नेक्स्ट अपन यहां पर बात करें, अगर यहां से अपन देखें, यहां से अपन देखें तो जो वी आर इक्वल टू आएगा वेलोसिटी स्केल रेशियो, वी आर
वो इक्वल्स टू क्या आएगा, वी आर इक्वल्स टू आएगा क्या, वी आर इक्वल्स टू आएगी वैल्यू म्यू आर अपॉन में रो आर अपॉन में एल आर, ये आ गई वेलोसिटी स्केल रेशियो की यहाँ वैल्यू। वी आर मतलब वी मॉडल अपॉन में वी प्रोटोटाइप, ये समझ आना। आर का मतलब होता है रेशियो जो रिप्रेजेंट करेगा मॉडल अपॉन में प्रोटोटाइप की वैल्यू को। नेक्स्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो टाइम स्केल रेशियो टी आर, तो वो इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम स्केल रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम स्केल रेशियो इक्वल्स टू होता है वी आर अपॉन में एल आर। वी आर की वैल्यू हमें पता है, इसमें एल आर की वैल्यू को हमें पुट करना है, तो ये क्या होता है, सॉरी ये होगा एल आर अपॉन में वी आर। यहां इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला निकल के यहां से, एल आर अपॉन में वी आर, तो फॉर्मूला आएगा रो आर अपॉन में एल आर की स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू आर। तो ऐसे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर्मूलाज में पुट कर करके। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाता एक्सेलरेशन स्केल रेशियो, तो हमें पुट करना था वी आर अपॉन में टी आर। वी आर की वैल्यू पता है, टी आर की वैल्यू भी पता है, सिर्फ पुट करनी है डायरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो वो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। यहां से रिनोल्ड से हमने वी आर की वैल्यू निकाली, टी आर कैलकुलेट कर लिया, ए आर एक्सेलरेशन स्केल रेशियो भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्राउडे मॉडल की, जहां पर वी आर इक्वल्स टू आता है रूट एल आर। तो यहां से टाइम स्केल रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो होगा एल आर अपॉन में वी आर, तो इक्वल्स टू क्या आएगा रूट एल आर। तो टी आर इक्वल्स टू भी क्या आएगा रूट एल आर। नेक्स्ट निकालेंगे अगर अपन एक्सेलरेशन स्केल रेशियो, तो वो होगा वी आर अपॉन में टी आर जो इक्वल्स टू आएगा वन। तो याद रखना है फ्राउडे नंबर के लिए एक्सेलरेशन स्केल रेशियो इक्वल्स टू में क्या आता है वन। तो ये हमने सारे मॉडल पढ़े, उसके बाद अपन बात करते हैं एक डिस्टोर्टेड मॉडल की जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। अभी हम पढ़ के आए थे जियोमेट्रिक सिमिलरिटीज में, हमने क्या बताया था कि मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए लेंथ विड्थ और हाइट का जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है, पर कुछ ऐसे प्रोटोटाइप फॉर एग्जाम्पल रिवर फ्लो, जहां पर लेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू विड्थ और डेप्थ, ठीक है, जहां पर क्या होगा जो रिवर वगैरह है उनमें वर्टिकल जो डायमेंशन होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू होरिजोनटल डायमेंशन, लाइक लेंथ और विड्थ के कंपेरिजन में डेप्थ रिवर वगैरह में बहुत कम होती है। तो इस केस में हम जो रेशियो अप्लाई करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे लेंथ स्केल रेशियो वर्टिकल मॉडल के लिए अपन कुछ अलग लेंगे और लेंथ रेशियो हॉरिजॉन्टल जिसमें आएगा एल एम अपॉन में एल पी इक्वल्स टू एच एम विड्थ, विड्थ को रिप्रेजेंट किया हमने चलो बी से, तो बी एम अपॉन में बी पी, और जो वर्टिकल डायमेंशन है वो डेप्थ है उसकी जिसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप। तो ये रेशियो अलग अलग लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर सेम रेशियो में रखेंगे उसको तो हम उसको रीड ही नहीं कर पाएंगे, वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो डिस्टोर्टेड मॉडल वो होता है जिसमें हम लेंथ स्केल रेशियो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो में डिवाइड कर लेते हैं, और डिस्टोर्टेड मॉडल के ऑलवेज हमेशा याद रखना है ऑलवेज जो डिस्टोर्टेड मॉडल है उसके लिए वर्टिकल जो स्केल होगा वो हमेशा क्या होगा ज्यादा ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हाइट बहुत कम है, डेप्थ जो है वो बहुत कम है लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर दिया कि क्या है डिस्टोर्टेड मॉडल, जिसमें लेंथ और हाइट विड्थ का क्या हो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, फॉर रिवर्स के लिए जहां डेप्थ बहुत कम होती है लेंथ और विड्थ बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया FM का लास्ट टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, और यहाँ पे FM के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स हो गए।